हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दिस साइड जीसीपी आज़ाद। तो यहाँ पर लाइट बहुत कट रही है यार, मतलब इतने ज़्यादा लाइट क्यों काट रहे हैं, दिन में रहती नहीं है, बहुत कम। अभी भी लाइट नहीं, इसीलिए छः घंटे हाँ, छः छः घंटे तक लाइट कटी रहती है, मतलब गर्मी के मारे आफत ख़राब है। सो अभी थोड़े थोड़े भूख भी लगाई, चलते हैं जल्दी से, धुलते हैं बर्तन। मैं जा रहा हूँ, बर्तन धुल के आते हैं, फिर खाना पीना बनाएंगे बढ़िया से, फिर खाते वाते हैं। तो चले लौट के आते हैं, फिर थोड़ी कुछ मज़ेदार सुनाएंगे भी। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। तो गाइस, पूरे दिन के बाद सुबह से लाइट गोल थी, मतलब 11 बजे के आस, 10 बजे से लाइट गोल थी। अभी जाके आइए, शाम के बज रहे हैं 5 बजे लाइट आई थी, तो फिर चली गई थी। फिर अभी आई है, हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी, खाना तो खा लिया दोपहर में, लेकिन थोड़ा और भूख लगाई थी हल्के हल्के अभी। सो भाई गया, तो फिर हम गोलगप्पे लेके आए अभी। तो हम करने वाले हैं अभी गोलगप्पे का चैलेंज दोनों लोग, तो वो आपको दिखाते हैं कि कौन कितना तेज खाएगा या फिर कितने कितने हम लोग खा पाते हैं। खाने को तो पूरे खा तो लेंगे पूरे, इतने हमारे लिए कम है, पर अभी दिखाते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सेपरेटली रख लें, अलग अलग, मतलब गोलगप्पे अलग रख लें, मटर अलग रख लें, पानी उसका अलग रख लें। बस ये सब करने में पता है एक चीज़ हो जाती है, घर पे लाने पे बर्तन बहुत सारे गंदे हो जाते हैं और धुलने हमें को पड़ते हैं। मज़ा आती है लेकिन धुलने भाई हमें को पड़ते हैं ना, खाने में मज़ा आती ज़्यादा। हाँ वो तो भाई, खाने में तो खाने में ज़्यादा मज़ा आती है, लेकिन अब बर्तन उधर क्या रहता है ना, जल्दी खाता रहता है, तो अपन को भी जल्दी खाना रहता है, तब टेस्ट से नहीं लेके नहीं खा पाई है। आराम से इत्मीनान से खाओ, मस्त इत्मीनान से खाएँ बढ़िया आराम से। सो चलिए अभी शुरू करते हैं, हम इसको लगाते हैं ट्राईपॉड में, फंसाते हैं और फिर यहाँ रखते हैं, फिर उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे, दिखाएंगे सारा कुछ। काफ़ी दिनों बाद, इसके पहले हम केवल एक गोलगप्पा चैलेंज किए थे, एक नहीं दो किए थे, एक हम किए थे वाराणसी में, वहाँ तो ठेले में ही किए थे वहीं पर, और इधर पे एक हम किए थे रूम पे ही ला के, है ना, पुराने मेरे ब्लॉग में होगा, तो ये दूसरा है अभी। फिर अभी शाम को, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, लाइटिंग लग दिन में बाहर शाम को, लेकिन मेरा लग गया ना लाइटिंग, अगर लाइटिंग लग गई अब भाई साहब यहाँ पर सलोरी में ना अभी पूरा एकदम लाइटिंग लग रही है, एक दिन के लिए केवल, एक दिन के मेले के लिए इतना सारा खर्चा, इतनी सारी लाइटिंग, अभी से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कट कर रहे हैं हम लोग के, आफत किए बैठे हैं, मतलब पूरे दिन में पसीना से पूरा एकदम चकाबोर हो जाते हैं, एकदम इतनी हालत ख़राब कर देते हैं, क्या ही बता सकता हूँ मैं। चलिए अभी फ़िलहाल तो गोलगप्पे के मज़े लेते हैं, और आप लोग बताइएगा इसमें, मतलब गोलगप्पों का आप लोग के यहाँ क्या नाम है। हमारे यहाँ तो मुझे तो 3-4 नाम पता है इसके, क्या कहा भाई, गोलगप्पे हो गए, फुल्की हो गई, बतासे पानी बतासे हो गए, और पानी पूरी हो गई, और भाई बस हो गया, बस इतना पुचका, ही पुचका, हाँ पुचका एक नाम है, और बस इतना ही ना, इससे ज़्यादा। बाकी अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताइएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा जितने नाम मैंने बताया इसके, और ये भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कौन सा नाम है, मतलब जो मैंने बताया भी, फिर भी आप बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सा नाम इसका लिया जाता है और किस नाम से फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैलेंज। देखो भाई, फिर मैं आता हूँ, आ दूँगी ऐसे बढ़िया से
मेरे को तीखा लग रहा है। पूरी खत्म करने वाला हारना। पानी के साथ बोल रहे बर्थडे पार्टी मांगेंगे अब तो मांगेंगे एक महीने बाद में कह रहे तुम बर्थडे पार्टी। आप लोग बताइए एक महीने बाद कौन बर्थडे पार्टी देता है। होने से बोलना बर्थडे पार्टी के नाम से नहीं बोलूँगा बाकी कुछ बोल रहे तो मैंने भी पानी लेने वाला तो हारी मानो फिर मैं हार गया मैं जीत गया। मेरे को तीखी लग रही है चैलेंज में सब कुछ आसान रहेगा तो चैलेंज किस बात का। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ कुछ अधूरी ख्वाहिश से तो जिंदगी जीने को मजा देती है। वाह वाह क्या बात है। एक और हो जाए इसी बात में भाई एक और हो जाए हम करेंगे सारे साथ। अभी आपको एक और कुछ सुनने को मिलने वाला था तब आपको बताओ भाई जल्दी होगा घमंड तुम्हें अपने हुनर का। वाह 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 मगर हमें एतवार अपने तजर्बे का भी है। वाह वाह क्या बात है। मजा तो आ रहा है।
प्रयागराज में ही है लगभग मेरे ख्याल से, जिसमें यहाँ मटर देता है फूल के साथ खाने को, मतलब पानी पदार्थ के साथ मटर डालता है। बाकी हमारे सतना में जाओ वहाँ आलू डालता है, मतलब आलू है इसमें भी, आलू है कि आलू ज़्यादा मटर है। मेरे को खत्म हो रहा है ये वाला चैलेंज, मैं जीत गया खत्म करने वाला। सो अभी मैं खा के मेरे थोड़े थोड़े आ गए थे आंसू, मुझे थोड़ा देर तीखा लग गया था ज़्यादा, क्योंकि मैं तीखा खाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चल जाता है। बट अभी बदी के भाई खा रहा है, अभी भी ये लगा हुआ है, अभी भी खा रहा है। मेरा ख़त्म हो गया, सो चलिए अब मिलेंगे थोड़ी देर में जब शाम को बाहर जाएंगे, क्योंकि मेला लगा हुआ है। अभी आज नहीं लगा, कल लगेगा, लेकिन उसकी लाइटिंग प्रिपरेशन सारा कुछ हो चुका है इधर पे, तो अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। सो अभी बज गए हैं रात के 9 और हमें चाहिए था थोड़ा सा सामान, सब्जी लेनी थी और साथ में केले, तो हम आए थोड़ी सी बाहर और एक झलक दिखा देता हूँ मैं अभी की लाइटिंग की, रात की इधर की, क्योंकि कल है मेला तो ये लाइटिंग हुई है। सो बैक कैमरे से दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू, बाकी का पूरा अच्छे से जो है तो नए ब्लॉग में कल दिखाएंगे पूरा अच्छे से, तो उसके लिए कल देखिएगा नया ब्लॉग। अभी थोड़ी सी लाइटिंग ले लेते हैं फिर मिलेंगे, सो मिलते हैं लाइटिंग थोड़ा दिखा के। सो गाइज ये देखिए लाइटिंग जैसा मैं बता रहा था दिखाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा दिखा रहे हैं बाकी का पूरा डिटेल में। कल एक नया पूरा अच्छा सा ब्लॉग बनेगा, पहले दिन में फिर रात का पूरा लाइटिंग के साथ बढ़िया से, कल ही लगेगा मेला तो वो कल दिखाएंगे आपको अच्छे से और एकदम बढ़िया से वो ट्राइपॉड से यूज करके। अभी तो हम ऐसे ही आ गए थे नॉर्मली, हमें चाहिए थोड़े से फल और कुछ सब्जी, तो इसलिए ऐसे ही आ गए थे। सो मिलेंगे कल, अब अभी चलते हैं रूम पे पटाख से और मिलते हैं फिर। लाइटिंग की वैरायटीज़ हैं तो एक देखिए इधर दूसरी वाली है और पीछे साइड दूसरी साइड दूसरी तरफ दूसरी, मतलब अलग तरह की लाइटिंग थी। सो अभी हम पहुंच गए रूम पे, बस चलते हैं खाना पीना बनाएंगे खाएंगे। सो मिलेंगे अब कल नए ब्लॉग में, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।